इसमें प्रमुख मांग है कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, और दूसरी मांग है कि हमें 8 तास जो हम ड्यूटी करते हैं उनकी गिनती नहीं होती है, तो 8 तास हमको काम जो है उसकी गिनती हो जाए और हमको 8 तास का पेमेंट गवर्नमेंट ने दिया जाना चाहिए। और तीसरी मांग है हमारी कि 7वें पे कमीशन में एटलीस्ट 18,000 रुपया दिया जाए, ऐसा जो कमीशन में लिखा गया था, तो वो 18,000 रुपया जैसे कमीशन पे कमीशन जो शासकीय कर्मचारी को लागू हुआ है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी हक बनता है कि उनको भी पे कमीशन ने जो सुझाव रखा था एटलीस्ट 18,000 जो सुझाव उनमें दिया जाए, ये हमारी मांग को लेके। और भी कई छोटी छोटी मांगे, जैसे बीमार पड़ती है आंगनवाड़ी सेविका तो उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो तो भगवान के घर से नहीं आई है, तो वो बीमार पड़ती है तो उनको आजारपन की रजा मिलनी चाहिए, सिकलीव मिलनी चाहिए, ये भी मांग हम लेके आए हैं यहाँ पे। और दूसरी छोटी छोटी जो मांगे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम कर रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण काम है, देश का भविष्य उसके हाथ में है, तो उनको ये सरकार कई दिन से या कि 1975 साल से ये आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही है, आज तक यहाँ सरकार ने 3,500 में ये भारत सरकार 3,000 और 1,500 में काम करवा रही है, पूरे देश की समस्या है कि इसमें मानदंड बढ़ोतरी होनी चाहिए। 11 सितंबर को पीएम जी ने 1,500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर्स को घोषित किया है और वो आज तक अभी नहीं मिला है, ये भी मांग है कि तुरंत जो घोषित किया है वो मिलना चाहिए। योजनाएं घोषित की है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बीमा योजना उनको लागू की जाएगी, ये बीमा योजना आशा वर्कर को लागू की जाएगी, तो ये दोनों मांगे लेके आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको जीने इतना इस महंगाई में ये आशा वर्कर जो महत्वपूर्ण काम कर रही है, ये आंगनवाड़ी वर्कर जो महत्वपूर्ण काम कर रही है वो दुर्लक्षित है, उनको दुर्लक्षित है तो उनको लक्ष्य करने के लिए, और आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के अच्छे दिन कहाँ है ये पूछने के लिए आज का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर इनको जो मानदंड जो आपने बढ़ोतरी दिया है वो मानदंड तुरंत मिलना चाहिए, और सरकार ने बातचीत करना चाहिए, और अगला जो हम कह रहे हैं कि 18,000 एटलीस्ट पे कमीशन ने 7वें पे कमीशन ने जो कहा था उसके बारे में बातचीत करें, और इनको आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को शासकीय कर्मचारी का दर्जा जो 8 तास या 12 तास ड्यूटी कर रही है उसको 8 तास में लाके, 8 घंटे में लाके, 8 घंटे की ड्यूटी करके उनको उतना पेमेंट दिया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या योजना है? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम हमारे राज्यों में अलग अलग से तो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके आगे ये जो दिल्ली के कार्यक्रम में अभी जो मांगे पूरी नहीं होगी तो 19 का जो चुनाव आ रहा है इसमें तो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो भी है तो इनको सबक तो जरूर सिखाएगी, और अगली सरकार जैसे बनेगी उसको देख लेंगे, अभी तो इनको जो अच्छे दिन अगर नहीं ला सकते तो इनको तो घर जाना पड़ेगा।